हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नैपगुल व्लॉग्स। और अभी जो है मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना है। रिंग लाइट सेटअप पे लग चुकी है और बाल जो है मैं स्ट्रेट करी हूँ, हल्के डेड स्ट्रेट नहीं करने, हल्के हल्के स्ट्रेट करी हूँ। तो गाइस, आज ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आज असल में मुझे करना क्या चाहिए, एक्चुअली मुझे आज बनाना क्या चाहिए। बालों को मैंने बांध दिया, हल्का सा बांधा है क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है, सैलून जाना है सबसे पहले, तो आई ब्रोज करवा के आती हूँ। प्लस मुझे जो है थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाना पड़ जाता है, वोटिंग वगैरह पे। ओ गॉड, ये देखो किचन में आते ही किसकी शक्ल देखने को मिली यार। मुझे शदीद का गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ मैं इसका, शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर। तो गाइस, यहाँ पर जो है ना मैंने ये चिकन वेज की कचौड़ी, जिसको मैं कहती हूँ ब्रेड कचौड़ी, बना ली है। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बट अगर आप लोग कहोगे तो बना लीजिए, हो सकता है कल या परसों में बना दूँ, बट अभी फिलहाल मैं फटाफट वाली बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, अफ्तारी होने में सिर्फ थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो इसलिए मैं क्विक वाली रेसिपी अपने लिए बना रही हूँ। और बाकी जो होगा आज की जो रेसिपी व्लॉग होगी ना, वो शाम में या रात में आएगी, सैरी में शायद हो, या फिर जो भी मैं खाने में बनाऊँगी उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूँगी। पर जो है ये तैयार हो गए हैं, इसका मैंने नाम जो है ना, इसका मैंने नाम दिया है चिकन वेज ब्रेड खिचौड़ी। और साथ ये जो है इसके अंदर, इसमें मैंने इसको वो करना है, इसके अंदर इसको डाल के, ठीक है, इसको लेयर दे के देन हम गर्म ऑयल में पकने डाल देंगे। तो गाइज़, ये रही जो मैंने ब्रेड बनाई है, ठीक है, खिचौड़ी जिसको मैं बोलती हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद है इस वजह से मैंने इसको खिचौड़ी का नाम दिया है। तो इसके अंदर जो है चिकन भी है और वेजिटेबल्स भी हैं, साथ में यहाँ पे मैंने खजूरें रख ली हैं, ठीक है। और ये रहा दूध रोज़ा मेरा, रात का बचा हुआ पड़ा हुआ, मैंने पिया नहीं था, तो अभी फ़िलहाल इतना ही खाऊं क्योंकि मैंने आज जाना है बाहर। वैसे भी मुझे आदत नहीं है बहुत ज़्यादा खाने की, तो इसलिए जो है मैं कम कम ही बनाती हूँ, और इतना बनाती हूँ कि अगर मैं थोड़ी ज़्यादा डिशेज भी बनाती हूँ ना, तो भी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसमें से जो है थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा लूँ। तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती क्योंकि फिर मुझे, आपको पता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, और मेरा ही नहीं सबका स्टमक डिस्टर्ब होता है घर में। तो इस वजह से हम उतने ही तरीके से चीज़ें बनाते हैं कि जितना खाया जाए, वो नहीं कि ओवरडोज कर लो, इतनी सारी चीज़ें बना लो और फिर खाया ना जाए। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इतना फिनिक होकर खाते हैं, इतनी बुरी तरह से खाते हैं कि जैसे पता नहीं कितने सालों से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था, बट मेरे से ऐसा नहीं होता। मैं सारी चीज़ें, अगर ज़्यादा वैरायटी होगी तो उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी लूँगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लूँगी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर लूँगी। तो मैं इस तरह खाती हूँ और मेरे घर वाले भी इस तरह ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं उनसे खाया जाता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वैरायटी बनाई। और आज जो है ना, घर पर किसी ने रोज़ा अफ्तार नहीं करना सिवाय मेरे, किसी ने रोज़ा अफ्तार नहीं करना घर पर, सब अपने अपने कामों पर रोज़ा अफ्तार करेंगे। इस वजह से भी थोड़ा सा ही बनाया हुआ है, तो क्योंकि मैंने खाना बनाना है। दो मिनट पहले अफ्तारी में जो है समोसों की भी आमद हुई है, और साथ चटनी और रायते की भी, तो अब हम अफ्तारी में समोसा भी खाएंगे। तो गाइस, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि रोज़ा खोला ना, और रोज़ा खोलने के कल रात सारी में जो है ना चाय पी थी ना मैंने, उसकी वजह से मेरे, मैं ना एग्जॉस्ट हो गई बहुत ज़्यादा ना, अंदर से ना जल रहा था मेरा, तो इसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो मुझे बाहर भी जाना था क्योंकि आज आटा खत्म हुआ था, आटा आना था और कुछ चीज़ें आनी थी, ज़रूरत की चीज़ वगैरह भी आने वाली थी, वो भी मैं ले आई हूँ, तो सारा सामान मैं ले आई हूँ। अभी फिलहाल जो है दूध गर्म होने रखा हुआ है, ये दूध गर्म हो रहा है, और जो है मैं आटा खोलने लगी हूँ, और आज से आप लोगों को लगा हो रहा हूँ कि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब हो रही है स्टिल, बट फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ कि किसी भी तरह जो है काम भी करती रहूँ साथ के साथ, क्योंकि काम होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दोबारा से फीवर हो रहा है, असल में ना मेरा फ्लू और जो गला है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है, मुझे सांस लेने में भी इतनी मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरा नोज जो है ना बिल्कुल ये पूरा हिस्सा जो है ना जम गया है जैसे, और यहाँ पर गला भी मेरा जमा पड़ा है, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा मुश्किल हो रही है। चलो गाइस, मैं थोड़ा सोती हूँ, सो के उठूँगी तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और ब्लॉग को एंड भी करूँगी, सैरी में एंड करेंगे, अभी नहीं हमने ब्लॉग एंड करना, अभी सारा कुछ बंद कर देते हैं और सो जाते हैं, 3-3.5 घंटे की नींद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस कल की तरह जो है ना आज फिर मेरे से उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और हिम्मत ही नहीं हो रही, ऊपर से पेट में इतनी दर्द हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ। तो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आज कोई रेसिपी नहीं, तो तब
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।